अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत होंगे। तो एक छोटा सा अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता होगा, आज से एक और पाबंदी को ख़त्म कर दिया गया है। उसके बाद यही बात करने वाला हूँ कि जो लोग भी अभी सवाल करते कि भाई इंडिया से, नेपाल से, पाकिस्तान से सऊदी अरब आने के लिए क्या PCR अभी भी लगता है, मुकीम वेबसाइट पर अभी भी रजिस्टर करना पड़ता है, तो ये भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और काफ़ी लोगों का सवाल ये भी आता है कि भाई मैं सऊदी अरब से घर जाना चाहता हूँ, क्या मुझे अभी भी PCR का जरूरी है, वैक्सीन सर्टिफिकेट का देना जरूरी है, उसके बाद एयर सुविधा फॉर्म जो अराइवल फॉर्म होता है वो भी भरना जरूरी है या नहीं है। तो सबके साथ आज ये चीज़ क्लियर करने वाला हूँ क्योंकि सवाल मेरे पास आता ही रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, 15 जून 2022 को एक कानून लगाया गया था कि जो लोग भी धूपों में यानी गर्मी में काम करता है यानी बाहर वो काम नहीं कर सकता है, 3 महीने के लिए पाबंदी लगाया गया था। तो आज वो मुकम्मल हो चुका है, यानी आज से उस कानून को ख़त्म कर दिया गया है। यानी 3 महीने तक गल्फ कंट्री में ये कानून लगाया जाता है कि धूप में कोई भी कंपनी काम नहीं करा सकती है 12 बजे से 3 बजे के बीच में। तो ये चीज़ आज से ख़त्म हो चुका है, अब आप लोग बाहर धूप में काम कर सकते हैं और कंपनी भी करा सकती है। नहीं तो पहले अगर कोई भी बाहर काम करते हुए पकड़ा गया तो उनके ऊपर फाइन लगता था, उनके कंपनी के ऊपर फाइन लगता था। तो आज से ये कानून को ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद 7 अक्टूबर 2022 से फिलीपीन के लिए जो डोमेस्टिक वर्कर का वीज़ा है वो स्टार्ट कर दिया गया है, और जो भी फीस होता है डोमेस्टिक वर्कर का, जो भी चार्ज लगता है तो यहाँ पे दिया गया है। तो ये डोमेस्टिक वर्कर का जो लोग भी बुलवाएगा उतना फीस अदा करना होगा, यानी टोटल उसका खर्च आता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो लोग भी सऊदी जाना चाहते हैं इंडिया से, नेपाल से, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से, तो मैं आपको बताना चाहूँगा PCR टेस्ट कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर आप वैक्सीन लगवाएं तो अच्छी बात है, वैक्सीन लगवाकर आप सर्टिफिकेट उसका अपने साथ में रखें। अगर नहीं लगवाए फिर भी कोई मुश्किल नहीं है, आप जा सकते हैं, लेकिन अगर नए वीज़ा पे जाते हैं तो आपको लगवाना यानी ज़रूरी है, आपको अपने साथ में रखें, अच्छा रहेगा। और जो लोग भी छुट्टी में आए हैं वो लोग तो बिंदास जा सकते हैं। तो PCR टेस्ट कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग एजेंट के चक्कर में फंसते हैं तो उनको PCR टेस्ट कराना होता है सऊदी जाने के लिए, क्योंकि वो सोचता है कि नए जा रहे हो तो इतना लाख खर्चा किए, तो कोई बात नहीं है, 1500-2000 और भी खर्चा कर लो और PCR टेस्ट करा लो, क्योंकि उसका भी कमीशन उसमें बनता है। तो PCR भी ज़रूरी नहीं है, आप बिंदास जा सकते हैं, लेकिन मुकीम वेबसाइट पे आपको रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी है। यानी कहीं से भी सऊदी अरब में एंट्री करते हैं तो आपको PCR टेस्ट जरूरी नहीं है, लेकिन मुकीम वेबसाइट पे आपको रजिस्टर करना बहुत जरूरी है, जिसे अराइवल फॉर्म बोलते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लोग भी अभी सऊदी से अपने घर, अपने देश जाना चाहते हैं तो उनके लिए ये अपडेट है। जैसा कि आप इंडिया के लिए जाएंगे तो अराइवल फॉर्म भरना जरूरी है, नेपाल जाएंगे तो वहाँ पे जरूरी नहीं है, और PCR टेस्ट भी जरूरी नहीं है, आप बिंदास जा सकते हैं, अपने साथ वैक्सीन का सर्टिफिकेट प्रिंट करा कर रख लें, अच्छा रहेगा, उसके बाद आप बिंदास सफ़र कर सकते हैं। अगर कोई सवाल तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको डिटेल्स मिल चुका है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल है सदाम ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हमेशा के लिए ऑल पे क्लिक करके आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जान सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी मैं अभी मुंबई का पूरा ब्लॉग डाल रहा हूँ।